नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिश और रंग दे बसंती फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं रंग दे बसंती फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। रंग दे बसंती सन 2006 में आई एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में आमिर खान, कुणाल कपूर, सोहा अली खान, सिद्धार्थ नारायण, शर्मन जोशी, अतुल कुलकर्णी, अनुपम खेर, किरण खेर और आर माधवन नजर आए थे। इस फिल्म को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था रोनी स्क्रूवाला और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, और इस फिल्म की कहानी लिखी थी कमलेश पांडे ने। इस फिल्म को 26 जनवरी सन 2006 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 28 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 53 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 3 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 15 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 98 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक एआर रहमान ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 9 गाने थे और सभी ही गाने अच्छे हिट रहे थे। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था, जो आज भी हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुनने को मिल जाते हैं। इस फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम रही थी। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल अवार्ड मिला था। तो नरेश अय्यर को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला था। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट ऑडियोग्राफी का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो आमिर खान को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म ने आईफा अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स में भी कई अवार्ड्स जीते थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर एक, इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी सिलेक्ट किया गया था पर फिल्म को नॉमिनेशन नहीं मिला था। नंबर दो, सिद्धार्थ नारायण से पहले उनका रोल फरहान अख्तर को ऑफर हुआ था पर उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। नंबर तीन, सोहा अली खान से पहले उनका रोल प्रीति जिंटा को ऑफर हुआ था पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। नंबर चार, इस फिल्म में आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन तीनों ही नजर आए थे। उसके बाद इनकी जोड़ी थ्री इडियट्स में भी नजर आई थी। अब जानते क्रिश फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। क्रिश सन 2006 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, रेखा, नसीरुद्दीन शाह, मनिनी मिश्रा, शरद सक्सेना, अर्चना पूरन सिंह और हेमंत पांडे नजर आए थे। इस फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। और इस फिल्म को 950 स्क्रीन के साथ 23 जून सन 2006 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 40 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 72 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दो कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 6 करोड़ का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 30 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 127 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक राजेश रोशन ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने हिट रहे थे। इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा गाने श्रेया घोषाल ने गाए थे। इस फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम उस साल की 7वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम रही थी। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का आईफा अवार्ड मिला था। तो इस फिल्म को बेस्ट एक्शन और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड मिला था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर एक, प्रिया का रोल पहले अमृता राव करने वाली थी पर राकेश रोशन को प्रियंका की एक्टिंग एतराज फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने फिर प्रियंका को साइन किया था। नंबर दो, इस फिल्म का टाइटल पहले कोई तुमसा नहीं रखा गया था पर बाद में इसे बदल कर क्रिश कर दिया गया। नंबर तीन, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार ऋतिक रोशन को चोट लगी थी जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को देरी हुई थी। नंबर चार, प्रियंका से पहले उनका रोल ऐश्वर्या राय को ऑफर हुआ था पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और दोनों फिल्मों को आप 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।